हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और साथ ही आज स्टॉक में जो 5% की एक लोअर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है, इस लोअर सर्किट के पीछे क्या मेन रीजन्स है उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक में 1617 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। और आज स्टॉक में हमें एक 5% की लोअर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। जब पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने अराउंड 5% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। तो देखा जाए तो स्टॉक में काफ़ी लंबे समय से हमें कोई भी बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। और जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, जब स्टॉक में एक 5% के अपर सर्किट लगी थी तब भी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि फिलहाल इस अपर सर्किट से हमें कोई भी बड़ी उम्मीदें रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुके। जहाँ अक्सर आप देखोगे बिना किसी न्यूज़ के स्टॉक में जो अपर सर्किट लग जाती है, और कई बार बिना कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ के चलते भी लोअर सर्किट लग जाती है। तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक में जो ऑपरेटर्स है वो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक में अक्सर हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी यहाँ पे लगती हुई नज़र आती है। और जो दूसरा एक मेन रीज़न है जिसके चलते आज स्टॉक में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है वो है मार्केट करेक्शन। जहाँ आप मेरी साइड स्क्रीन पर भी नज़र डालोगे, इसी की पेरेंट कंपनी वारी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई। वारी एनर्जीज लिमिटेड, वेपसोल एनर्जी सिस्टम हो या नाइब लिमिटेड हो, सभी में हमें एक डाउनफॉल यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ज़्यादातर जो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स से उन सभी में आज तो हमें काफ़ी बड़ा एक डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। और उसी के चलते आज वारी रेन्यूएबल टेक्नोलॉजी में भी हमें एक 5% की यहाँ पे लोअर सर्किट लगती हुई नज़र आ रही है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की आज की सबसे बड़ी अपडेट को कवर किया जाए, जिसके चलते आज स्टॉक में हमें एक 5% की लोअर सर्किट भी यहाँ पे देखने को मिली। तो फिलहाल इस गिरावट के पीछे जो सबसे पहला एक मेन रीज़न है वो है डोनाल्ड ट्रंप का फिर से वाइस हाउस का प्रेसिडेंट बनना। जहाँ पे आप सभी लोगों को पहले भी पता होगा, जब वो पहले प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने कई ऐसे रूल्स और ऐसे भी कई रेगुलेशंस लगाए थे कई ऐसे अदर कंट्रीज़ के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, जिसके चलते तब भी काफ़ी हलचल मची थी। और अब वो फिर से यहाँ पे प्रेसिडेंट बने तो फिर से एक बार देखा जाए जो इंपोर्ट कंट्रीज है उनके ऊपर फिर से काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आज इस आर्टिकल पर आप पढ़ ही सकते हो कि स्टॉक मार्केट द डॉलर एंड द बिटकॉइन रैली इन द इमीडिएट आफ्टर मैथ ऑफ हिज विन, वाइल द शेयर्स इन डिफेंस कंपनी प्रिजन ऑपरेटर्स एंड इलन मार्क्स टेस्ला रोज शार्पली। मीन वाइल रेन्यूएबल एनर्जीज कंपनीज एंड द जर्मन कार मेकर स्टॉक्स फेल। तो देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड मार्केट में देखा जाए तो रेन्यूएबल एनर्जी कंपनीज के जितने भी स्टॉक्स है वो सभी के सभी यहाँ पे फॉल हुए। जहाँ पे आज इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी आप नज़र डालोगे तो रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं अराउंड 85% स्टॉक सभी के सभी आज हमें रेड में क्लोज होते हुए नज़र आ रहे। तो ये भी एक मेन रीज़न है जिसके चलते आज वारी रेन्यूएबल हो या वारी एनर्जी जो कि इसके पेरेंट कंपनी, उसमें भी अराउंड हमें एक 7% का डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये भी कुछ ऐसे रीज़न से जहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि वारी एनर्जीज और जो इसकी पेरेंट कंपनी वारी रिन्यूएबल, ये इन दोनों कंपनीज का जो मेन फोकस है फिलहाल वो है टेक्सास और यूएस में आने वाले 4 सालों में अराउंड $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना और जो सोलर मॉड्यूल्स है उसको ऑल ओवर यूएस मार्केट में सप्लाई करना। और फिलहाल जो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप फिर से यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हुए नज़र आ रहे, प्रेसिडेंट ऑलरेडी वो बन चुके, ऑलरेडी वो इसकी रेस में विन हो चुके। तो यहाँ पे जब तक कोई भी बड़ी पॉलिसी आप पे रिवील नहीं होती तब तक इन सभी स्टॉक्स के कंपनीज में एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हुए नजर आएगा। जहाँ पे पहले भी सभी को पता होगा कि उन्होंने चाइनीज़ कंपनीज पे कई ऐसे बैंस लगाए थे जहाँ पे अराउंड उन्होंने 60-100% का टैक्स भी लगाया था, जिसके चलते जो चाइनीज़ मार्केट की हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हुई थी। तो ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में जो इंडियन मार्केट हो या अमेरिकन मार्केट हो, इन दोनों की जो पॉलिसीज में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते। और फिलहाल स्टॉक के चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जिन्होंने अराउंड 2000 या उसके ऊपर के प्राइस में अपनी होल्डिंग बनाई होगी वो तो यहाँ पे अच्छे खासे फंस गए, या काफ़ी ज़्यादा लोगों ने 3000 के आसपास भी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में अपनी होल्डिंग बनाई, तो फिलहाल तो उन्हें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन जिन्होंने नीचे के लेवल्स में स्टॉक में अपनी होल्डिंग बनाई होगी उन्होंने तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी बनाया। तो फिलहाल देखा जाए तो अब स्टॉक में हमें एक जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह देखने को मिलते हुए
नजर आएगा, क्योंकि आप क्वार्टर बाय क्वार्टर नज़र डालोगे, जहाँ रिसेंटली कंपनी ने जो क्वार्टर टू के रिजल्ट्स भी अनाउंस किए थे, वहाँ पे भी कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ हो या कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ हो, उसमें हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। और साथ ही कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, जैसे कि आपको मैं अक्सर मेरे वीडियोस में भी बोलता हूँ, कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो डे बाय डे काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में एक अच्छा खासा रिटर्न 100% देते हुए नजर आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको और भी बड़ी गिरावट आने वाले समय में देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।